hello everyone my name is yash maheshwari and welcome back to my youtube channel so yes today is 20th of january and today we are launching our guest papers slash sample papers for ICSC class 10th and ISC class 12th so जैसा कि आपको बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि हमारे गेस्ट पेपर्स और स्लैश सैम्पल पेपर्स हम लोग रिलीज करते हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ आई सी एंड आई के लिए और पिछले कुछ सालों से हमारे जो गेस्ट पेपर्स आ, आ रहे हैं सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका टाइप सेम होता है बट उनके नंबर्स चेंज होते हैं लेकिन टाइप सेम होता है टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम होता है तो ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है और उनको लास्ट मिनट में रिवीजन करना है लास्ट मिनट में चेक करना है कि उनके वीक एरियाज कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं प्लस उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनकी तैयारी अभी तक एवरेज है और वो चाहते हैं कि ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाए तो ये गेस्ट पेपर्स किन बच्चों के लिए हैं तो ये गेस्ट पेपर्स उन बच्चों के लिए हैं जिनको पेपर छूट जाता है टाइम पे पेपर खत्म नहीं होता सो दीज वेरी यूजफुल फॉर यू क्योंकि आप दो घंटे में अगर वॉच लगा के इन गेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी और आपका पेपर नहीं छूटेगा पक्का ये गारंटी है अगर आपने वॉच लगा के इस इन गेस्ट पेपर्स को सॉल्व किया तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा इन पेपर्स को लगाने के बाद और इन पेपर्स को लगाने के बाद एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं व्हाट शुड बी द प्रेजेंटेशन किस तरीके से क्या प्रेजेंट करना है कैसे आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं तो ये टेंथ और ट्वेल्थ के लिए ये गेस्ट पेपर्स हमारे लॉन्च हो रहे हैं ट्वेंटी के आज से और क्लास ट्वेल्थ के लिए हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स लेके आए हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं सो दीज गेस्ट पेपर्स आर फॉर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश कंप्यूटर एंड बायोलॉजी यस यू हर्ड इट राइट बायोलॉजी के भी गेस्ट पेपर्स आ रहे हैं तो बायोलॉजी वाले बच्चे जितने भी परेशान थे कि सर तैयारी अच्छी नहीं हो रही है हेल्प कर दीजिए ये रही आपके लिए हेल्प इंग्लिश में लिटरेचर एंड लैंग्वेज दोनों ही पार्ट्स रहेंगे तीन पेपर्स लिटरेचर के एंड तीन पेपर्स लैंग्वेज के ये जितने भी पेपर्स होंगे ये सारे के सारे पेपर्स का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा सेकेंडली टेंथ के लिए भी गेस्ट पेपर्स लॉन्च हो रहे हैं सो आईसीएससी क्लास टेंथ के लिए भी गेस्ट पेपर्स लॉन्च हो रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश कंप्यूटर बायोलॉजी जोग्राफी एंड हिस्ट्री सिविक्स

टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए सो लेट से मैथ्स का पेपर अगर तीन घंटे का है बोर्ड में तो आपको वो पेपर दो घंटे में सॉल्व करना है टाइमर लगा के अगर टाइमर आपने लगाया है और दो घंटे में जितना पेपर हुआ पूरा नहीं हुआ जितना भी हुआ बस आपको वहीं पर रुक जाना है फिर उसका जब सोल्यूशन आएगा तो आपको सोल्यूशन से बैठ के चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं किस में, किस में में मार्क्स कितने मिले हैं और आपका हर गेस्ट पेपर देर आर फाइव गेस्ट पेपर इन टोटल हर सब्जेक्ट में तो आपको हर गेस्ट पेपर को देख के ये समझना है कि आप जब भी पहला गेस्ट पेपर लगाया दूसरा लगाया तीसरा लगाया चौथा लगाया पांचवा लगाया पांचवे तक आते आते, आते आपकी परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ जानी चाहिए आपके मार्क्स बढ़ते रहने चाहिए पहला गेस्ट पेपर आपने लगाया आप देखिए आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो दूसरा गेस्ट पेपर लगाने से पहले उसको अच्छे से जो वीकनेस है मेक दैट योर स्ट्रेंथ उसको स्ट्रेंथ बना लीजिए जैसे ही वो स्ट्रेंथ बन जाता है दूसरा गेस्ट पेपर फिर से करिए फिर उसको पूरा चेकआउट कीजिए और फिर देखिए कि कहां कहां पे अभी भी वीकनेस है उन वीकनेस को फिर से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो लर्न करो प्रैक्टिस करो ऐसा करोगे तो आपका धीरे धीरे जितनी भी वीकनेसेस है वो सब स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड फिफ्थ गेस्ट पेपर आते आते, आते, आते आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी आप अपना पेपर टाइम पे खत्म कर रहे हो आपके वीक एरियाज स्ट्रांग एरियाज बन गए होंगे कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूटा होगा प्लस आपको पेपर दे दे के दे दे के इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब आप बोर्ड में पेपर देने बैठो

बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि इनके गेस्ट पेपर से कुछ नहीं आता है ये वही वाले बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई गेस्ट पेपर का मतलब है कि पूरा का पूरा का सर शुरू से लेके आखिरी तक सर का पूरा पेपर सेम टू सेम बोर्ड के पेपर की तरह होना चाहिए भाई दिस इज नॉट पॉसिबल इसीलिए इसका नाम गेस्ट पेपर है ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस से गेस्ट करके बना रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं सेम टू सेम बहुत से क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं तो इसलिए आप अगर ऐसे पेपर देख रहे हो इनको गेस्ट पेपर को कि सर हमने ये गेस्ट पेपर खरीदा तो इसका मतलब है शुरू से लेकर आखिरी तक सारे क्वेश्चन मैच होने चाहिए तो भाई आप नर्सरी क्लास में नहीं हो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आइदर क्लास और क्लास ट्वेल्थ तो इसलिए अगर आपका ये माइंड सेट है कि बस यही आएगा इसी को याद करने से मैं पास हो जाऊंगा मेरे 90 परसेंट मार्क्स आ जाएंगे तो ये गलत है ये आपके लिए पेपर नहीं है बिल्कुल मत खरीदिएगा कोई आपको जबरदस्ती पुश नहीं कर रहा है राइट नाउ टेंथ की अगर हम डेट्स बताएं कौन कौन से दिन कौन कौन से पेपर्स आने वाले हैं तो ट्वेंटी सेकेंड से आपके क्लास टेंथ के पेपर्स रिलीज हो जाएंगे दैट इज डे आफ्टर टुमारो पहला गेस्ट पेपर आएगा पहला पेपर बोले तो सारे सब्जेक्ट्स का चौथा गेस्ट पेपर टेंथ को आएगा एंड सारे सब्जेक्ट्स का पांचवा गेस्ट पेपर सेवेंटीन को आएगा तो आपको सारे के सारे मतलब गेस्ट पेपर वन सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कंप्यूटर इंग्लिश एंड एस एस टी हिस्ट्री सिविक जोग्राफी ये सारे के सारे एक पेपर आपको ट्वेंटी सेकेंड को मिल जाएगा बैठ के सॉल्व करेंगे इसके सोल्यूशन भी वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप वो पूरे के पूरे पेपर से समझ सके कि कैसे कैसे सॉल्व करना है कहाँ कहाँ पे आपको गलती की है कहाँ कहाँ पे गलती हुई है ये सारी चीजें भी आपको करनी है <coughs> अच्छा इनकी जो कॉस्ट होगी पांचों गेस्ट पेपर्स के सारे सब्जेक्ट की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो कौन कौन से सब्जेक्ट बता देता हूँ ये है भाई मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश कंप्यूटर बायोलॉजी ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स के सारे कितने सब्जेक्ट्स हो गए तीन तीन छे, छे दो आठ आठ सब्जेक्ट और नाइन अगर आप हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी को अलग अलग ले ली नौ सब्जेक्ट्स कितनी कॉस्ट है इनकी तो टोटल कॉस्ट जो है दैट इज वन ट्रिपल नाइन रुपीज ओनली उन्नीस सौ निन्यानवे रुपए नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज में आपको सारे के सारे आठों सब्जेक्ट के पांच पांच गेस्ट पेपर सबके मिल जाएंगे एज अ रिजल्ट आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी लास्ट ईयर आईसीएससी क्लास टेंथ में बहुत सारा सेम क्वेश्चन वैसे ही आए थे जैसे हमने कराए थे अगर आप अपने सीनियर से भी पूछेंगे जो क्लास टेंथ पिछले साल देके आए हैं वो भी आपको बताएंगे कि कितने सारे क्वेश्चन एज इट इज आए थे हाँ अब अगर उन सीनियर से पूछे जो ये सोच के बैठे थे कि सिर्फ यही आएगा तो वो डेफिनेटली आपको नेगेटिव रिमार्क देंगे वो ये कहेंगे यार पूरा पेपर उससे नहीं आता क्योंकि ये तरीका ही गलत है सोचने का तरीका गलत है आप रट के याद करके कोई भी एग्जामिनेशन में हंड्रेड परसेंटेज नहीं ला सकते और अगर आप ले भी आओगे तो उसको मात्र एक संयोग कहा जाएगा जैसा वो पॉसिबल नहीं है हमारे रियल वर्ल्ड में रटना हम कभी भी ये नहीं आ, कहते हैं बच्चों को कि रट के पेपर पास करो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट पे आप वर्क कीजिए आप न्यूमेरिकल्स पे वर्क कीजिए आप डेफिनेशन को याद कीजिए तभी आपके रिजल्ट आएगा मात्र चार क्वेश्चन पढ़ने से उनको रट लेने से आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है लेट्स टॉक अबाउट शेड्यूल फॉर आई क्लास ट्वेल्व सो आई क्लास ट्वेल्व के सारे पेपर्स एक साथ नहीं आने वाले हैं आई एस सी क्लास ट्वेल्थ की हमने टाइम टेबल बनाई है एंड वील बी रिलीजिंग सब्जेक्टिव पेपर्स अकॉर्डिंग टू दिसम टेबल इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये पेपर एक एक करके रिलीज होंगे हमारी एप्लीकेशन पे ताकि जब आप पहला पेपर दें और उसका दूसरा पेपर दें तो उसके बीच में गैप रहे आप वहां पर अपनी वीकनेसेस को मजबूत बनाइए तब तक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं जिसमें मार्क्स छूट जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करके फिर दूसरा पेपर देना है तब ये बहुत ज्यादा आपके हेल्प में आएगा बहुत यूजफुल लगेगा आपको जब आप अपना बोर्ड का पेपर दे रहे होंगे सो ट्वेंटी एथ दैट इज टूडे ट्वेंटी ऑफ जनवरी आज मैथ्स का पहला गेस्ट पेपर रिलीज हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे देन ट्वेंटी सेकेंड को इंग्लिश का गेस्ट पेपर वन रिलीज हो जाएगा ट्वेंटी सेकंड को देन ट्वेंटी थर्ड को केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर वन रिलीज हो जाएगा देन ट्वेंटी सेकंड गेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम ट्वेल्थ ही है सो इट इज वेरी नियर देन ट्वेंटी सेवन एक हफ्ते ठीक एक हफ्ते बाद फिर से आपको मैथ्स का गेस्ट पेपर टू मिल जाएगा एंड जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको बायोलॉजी का गेस्ट पेपर वन जो रिलीज होगा वो ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जनवरी को होगा देन ट्वेंटी सेवंथ को ही कंप्यूटर का भी हो जाएगा पेपर रिलीज तो ट्वेंटी सेवेंथ इज सैटरडे सुबह मैथ्स का पेपर लगाइए शाम को कंप्यूटर लगाइए अगर आपके पास दोनों सब्जेक्ट्स हैं अगर ऑप्शनल में है तो एक एक सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं राइट ट्वेंटी नाइन्थ को फिजिक्स का गेस्ट पेपर टू रिलीज हो जाएगा देन थर्टीएथ को इंग्लिश का गेस्ट पेपर थ्री रिलीज हो जाएगा अब एक चीज समझिएगा जब मैथ्स का गेस्ट पेपर वन रिलीज होगा तब सिर्फ गेस्ट पेपर रिलीज होगा इसका सोल्यूशन रिलीज नहीं होगा इसका सोल्यूशन कब रिलीज होगा जब मैथ्स का गेस्ट पेपर टू रिलीज होगा तब वन का सोल्यूशन रिलीज होगा तो वन का सोल्यूशन टू से पहले किसी भी भी दिन 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 हो सकता है। so, जिस दिन 27th है, जिस मतलब 20th को आपको आपको का का हुआ, आपने वो solve किया, फिर उसको चेक करने के लिए, दिन के लिए दो-चार में आपको उसका solution भी मिल जाएगा, Paper 1 का solution मिलेगा, वीडियो solution मिलेगा, जिसमें एक एक क्वेश्चन आपको वीडियो के फॉर्म में समझाया भी जा रहा होगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे लिखना है क्या करना है सारी चीजें उसमें रहेंगी राइट right. सेम हर पेपर में होगा जिस दिन पेपर रिलीज होगा उसके एक दो दिन बाद ही आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा ताकि आप सोल्यूशन चीट करके उसको याद करने की कोशिश ना करें क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने याद करने की कोशिश की थी और फिर रिजल्ट नहीं आता जब रिजल्ट नहीं आता तो कसूरवार हम लोग हो जाते हैं कि सर ने गलती की है इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आया तो इसलिए ये चीजें इस बार थोड़ी सी सही की गई हैं चेंज की गई हैं देन केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर टू थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी को आएगा इंग्लिश का गेस्ट पेपर फोर

फिर आपके ये जो गेस्ट पेपर्स हैं ये एग्जाम्स के बीच तक आते रहेंगे तो जिस दिन आपका एग्जाम भी है उस दिन हम लोगों ने गेस्ट पेपर रिलीज नहीं किए हैं एग्जाम के बीच में जो गैप्स हैं उन गैप्स में गेस्ट पेपर्स रिलीज किए हैं तो अगर आपको इसकी पूरी की पूरी स्केड्यूल चाहिए कि सर किस किस दिन कौन कौन से गेस्ट पेपर्स रिलीज हो रहे हैं तो ये जब आप गेस्ट पेपर्स वाले कोर्स में जाओगे जो हमारी एप्लीकेशन माहेश्वरी तो पूरा का पूरा आपको मिलेगा उस पीडीएफ को आप ओपन करके देख सकते हो चेकआउट कर सकते हो किस दिन कौन सा पेपर आएगा और आप उस ही रेडीनेस के साथ उस दिन रेडी रहिए कि सर पेपर आने वाला है उस दिन आप रेडी रहिए कि आपको आज पेपर फिनिश करना है तीन घंटे का पेपर दो घंटे में है जो ढाई घंटे का पेपर है वो डेढ़ घंटे में करना है मतलब कम समय में कंप्लीट करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा लोड ज्यादा होगा दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएटेड होगा तो इसलिए उस दिन डेफिनेटली आपकी स्पीड कम ही हो जाएगी तो अगर आप स्पीड तेज करके चलोगे तेज की प्रैक्टिस करोगे तो विद इन द टाइम लिमिट आराम से आपका पेपर खत्म भी होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में और आप पूरा का पूरा पेपर रिवाइज भी कर पाओगे ये वीडियो अगर आप अकेले देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए वो पेरेंट्स जब यह वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि यह चीज आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है राइट right? इसके बाद प्राइस की अगर बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस इंग्लिश का जो पेपर है चार पेपर्स ये आपको मिल रहे हैं एट सिक्स ओनली चार पेपर बोले तो फिजिक्स के पांच केमिस्ट्री के पांच मैथ्स के पांच और इंग्लिश के छह तीन लिटरेचर तीन लैंग्वेज के तो पंद्रह और छह इक्कीस इक्कीस पेपर मिल रहे हैं एट सिक्सटीन फिफ्टी रूपीज मतलब सौ रुपए से कम का भी एक पेपर है अगर आप बाहर से भी सैंपल पेपर परचेज करते हो वो भी इससे महंगा ही होगा इससे सस्ता तो नहीं होने वाला जिसमें इतने सारे पेपर्स आपको मिल रहे हैं राइट देन पीसी प्लस इंग्लिश अच्छा इसमें वीडियो सोल्यूशन के साथ भी मिल रहा है बाहर आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं मिलेगा सिर्फ लिखा हुआ मिलता है उसमें भी हजार गलतियां होती हैं आप ये नहीं चेकआउट कर पाओगे ये सही भी है कि गलत यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है पीसीबी प्लस इंग्लिश अगेन एट 1650 फिफ्टी एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अंगल सब्जेक्ट अगर आपको एक सिंगल सब्जेक्ट का परचेज करना है इट कैन भी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर मैथ्स और इंग्लिश ट रुपीज फाइव हंड्रेड इच हर पेपर पांच सौ रुपए का मिलेगा अगर आप कॉम्बो में परचेज करते हो तो डेफिनेटली वहां पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे ये गेस्ट पेपर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए इनका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कीजिए <coughs> और डेफिनेटली ये गेस्ट पेपर्स आपको आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में हेल्प करेंगे आपकी स्पीड की प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे आपका जो फियर है फोबिया है बिफोर एग्जामिनेशन उसको बहुत रिड्यूस करेंगे अगर आपने सारे गेस्ट पेपर्स सही तरीके से लगाए हैं बाकी हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है अगर आपको कोई भी डाउट आता है कोई भी परेशानी आ रही है तो कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे। नाइन एट सेवन वन नाइन फोर डबल फाइव डबल टू दिस इज़ द नंबर अगर आपको कोई भी परेशानी है कोई भी दुविधा है कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी दिक्कतें दूर करें बाकी आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आ रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन के हैं तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए पेपर लीजिए ना लीजिए लेकिन मेहनत ज़रूर कीजिए पढ़ाई ज़रूर कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए दैट इज़ इट थैंक यू टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद